हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हाल के दिनों में, अभी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम क्या कह सकते हैं कि 22 दिसंबर को जो एडमिशन का जो सारा प्रोसेस था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, वो आपका प्रोसेस खत्म हुआ। इधर प्रोसेस खत्म हुआ कि नोटिस आ गया नेक्स्ट प्रोसेस का। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो सेशन है वो बहुत लेट चल रहा है, बहुत लेट ऐसा नहीं कह सकते पाटलिपुत्र में, बल्कि सब यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लेट चल रहा है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपने आप को प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रही है। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अगर सेशन लेट के बारे में बात करूँ, अभी 21-24 के सेशन के बारे में बात करूँ, चूँकि एडमिशन का प्रोसेस 21-24 वाले बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो 21-24 में नॉर्मली जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो बेस्ट टाइम होता है। आपको जुलाई से अगस्त में सारे एडमिशन के प्रोसेस लगभग हर कॉलेज में अच्छी यूनिवर्सिटी में खत्म हो जाता है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं अगस्त से भी, तो कितना मंथ का सेशन लेट है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5-6 महीने का सेशन लेट है। और 5-6 महीने का सेशन यहाँ पर लेट हो चुका है। लेकिन नॉर्मल टाइम में क्या होता था कि जैसे ही एडमिशन के यानी सेशन से 5-6 महीना होता था तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ जाता था। तो यूनिवर्सिटी में चूंकि एडमिशन की प्रक्रिया पूरी लेट चली है, यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है वही लेट कंप्लीट हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है अगर उसे भी लेट कर दिया जाए तो फिर और स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, सेशन और ज़्यादा लेट हो जाएगा। और जब सेशन लेट होगा तो फिर इसके रेपुटेशन पे भी डायरेक्टली इफेक्ट होगा। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक चीज़ को सबक मानकर सीख चुकी है अपने पिछले वाले एडमिशन के प्रोसेस में, कि एडमिशन का प्रोसेस भले इस बार थोड़ा सा लेट हुआ होगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो उसमें तेजी करना चाहती है। और ऐसी स्थिति को सोचते हुए, ऐसी स्थिति पे सारा पॉइंट पे अटेंशन करते हुए यूनिवर्सिटी आखिर फाइनली एक डिसीजन ले ली है। यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया है कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लॉन्च करने के लिए जो सारे डेट है वो सारा डेट आ चुका है, तो किस दिन से जो भी बच्चों का एडमिशन हुआ है 21-24 वाले टाइम में, जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है 21-24 वाले सेशन में, उनका अब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होगा। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है जो आप यहाँ पे अगले अपने 3 साल जो आप यूनिवर्सिटी में जो अपना टाइम दीजिएगा ग्रेजुएशन के पीरियड में, तो आपको एक सीरियल नंबर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। इसी सीरियल नंबर पे आपका सारा काम होता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, रिजल्ट बनता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आपका होगा प्रोसेस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस किस दिन से कंप्लीट होगा, पूरा डेट आ चुका है, पूरा इंफॉर्मेशन आ चुका है, देख सकते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। और डेट आपका 23/12/2021 का, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपको अभी कॉलेज की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, लेकिन कल तक आपको कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यहां देख सकते हैं एके नागसर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, इनके द्वारा पूरा नोटिस आ चुका है। पूरे नोटिस के सीरीज को पढ़ते हैं और जो भी सारा डाउट है, कंफ्यूजन है, फटाफट आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और जो भी स्टूडेंट बच जाएंगे ध्यान देंगे, ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इससे आप वंचित नहीं हुईगा, इससे आप चूकिएगा नहीं, चूंकि यही आपके आगे जो आपका एग्जामिनेशन होगा, आगे जो सारा प्रोसेस होगा इसी के थ्रू कंप्लीट होगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होगा तो आप बताइएगा कमेंट में, फिर जो भी उसका जो सर्टिफिकेशन आंसर होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखिए बताया जाता है आवश्यक सूचना 21-24 में नामांकित छात्रों, महाविद्यालयों और अभिभावकों, अगर इसके आप हेडलाइन को अगर समझते हैं सही तरीके से, ये नोटिस इंपॉर्टेंटली 3 के लिए है। एक तो पहली बात ध्यान रखना है कि ये जो नोटिस है 21-24 वाले सेशन के लिए, यानी जिनका नया एडमिशन हुआ है, उसमें छात्रों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज को और उनके गार्जियन को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि यूजी के जो रेगुलर या वोकेशनल, जानते हैं कि यूजी का जो कोर्सेस होता है वो 2 प्रकार का है, रेगुलर और वोकेशनल, के छात्रों को सूचीकरण यानी रजिस्ट्रेशन दिनांक 4/1/2021 से 15/1/2022 तक ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन किस तरीके से 4 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी 4 जनवरी 2022 में किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस टाइम हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराएंगे, सबसे पहले वीडियो अवेलेबल कराएंगे। और जो भी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा वो वीडियो में कमेंट्स करेंगे, ताकि उनके सपोर्ट से फिर वीडियो नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर कर सके, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो सारा प्रोसेस है कंप्लीट किया जाएगा, और दंड यानी 15 जनवरी तक नॉर्मल टाइम, और अगर आप लेट होते हैं तो फिर आपको 18 जनवरी तक लेट फाइन के साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में छात्रों को एक ध्यान देने वाली बात है कि वे अपना माइग्रेशन अपलोड करने के साथ साथ माइग्रेशन की विवरणी भी अपलोड करेंगे, यानी इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपका माइग्रेशन आपके पास होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट के पास अभी तक माइग्रेशन नहीं है, अपना माइग्रेशन कलेक्ट कर लेंगे अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद बताया जाता है कि अपने सूचीकरण फॉर्म को सबमिट कर शुल्क जमा करेंगे एवं उसकी छाया प्रति अपने कॉलेज में जमा करेंगे। इसके बाद क्या प्रोसेस का मेन एम है, जब 4 जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट करना है, और फी पेमेंट करने के बाद जो आपका रिसीविंग जनरेट होगा और जो पेमेंट रिसिप्ट है, ये सारा डॉक्यूमेंट को क्या करना है आपको जमा कर देना है अपने कॉलेज के काउंटर पे, और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। साथ में इसमें बताया जा रहा है कि ये जो डिस्कशन है ये स्टूडेंट्स के लिए है, यहां देखिए डिस्कशन है कॉलेज के लिए कि महाविद्यालय को यह सूचित किया जाता है कि छात्र द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट को प्राप्त करेंगे, और यदि किसी छात्र के सब्सिडरी में संशोधन की आवश्यकता होगा तो उसमें संशोधन करने के उपरांत वैलिडेट करेंगे। तो एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सब्सिडरी वगैरह चेंज करने का अगर आपका मूड वगैरह हो, या सब्सिडी अगर आपको लगता है कि मैं सब्सिडी चेंज करूँ, तो सब्सिडी चेंज करने पर भी ध्यान रखिएगा कि सब्सिडी चेंज आप अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से पहले कंप्लीट कीजिए, और सब्सिडी अगर चेंज करने का जरूरत पड़े तो आप अपने एडमिशन सेक्शन से कॉन्टैक्ट कीजिए और सब्सिडी के चेंज के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। सब्सिडी चेंज करने का प्रोसेस बेहद ही आसान है, आप एक अपना लेटर लिखिए कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम से या फिर एडमिशन इंचार्ज के नाम से, और उसमें आप बताइए कि आपका एडमिशन हुआ है, आपका रोल नंबर है, और आप ये सब्सिडी सब्जेक्ट को
लाना चाहते हैं, अपना ये जो पुराना सब्सिडी सब्जेक्ट है इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसके बाद आप जो एडमिशन रिसिप्ट है उसके साथ में लगाइए और अपना सब्सिडी के सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिए, तो यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है अगर आपको मनपसंद सब्सिडी नहीं मिला है तो। अगर थोड़ा सा पेमेंट के बारे में बात करें तो यूजी के रेगुलर और वोकेशनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का जो फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए यहाँ बताया गया कि जो बीएसईबी से छात्र पास होंगे उनको 311 रुपये का पेमेंट करना है बिना फाइन के, यानी विदाउट फाइन आपको देना है 311 रुपये। अगर आप पे दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि अगर अदर बोर्ड के आप होंगे तो 461 रुपये देना है विदाउट फाइन। तो याद रखिएगा 311 और 461 में 150 रुपये का अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए 311 रुपये, अदर बोर्ड वाले यानी सीबीएसई आईसीएसई 461 रुपया। वहीं अगर लेट फाइन के साथ बात कीजिएगा तो लेट फाइन आपका 100 रुपीज़ का अप्लाई होता है, तो 311 और प्लस 100 रुपीज़ 411 रुपया, और अदर बोर्ड के लिए फिर 461 प्लस 100 रुपये लेट फाइन यानी 561 रुपया। इतना रुपये का इतना जो सारा प्रोसेस है इस प्रोसेस पर ध्यान रखिएगा। अगर प्रोसेस पर सही तरीके से अपडेट बना के रखिएगा तो आपको फिर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैक्सिमम क्या होता है कि लास्ट टाइम तक स्टूडेंट को पता भी नहीं चल पाता है कि कब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा यूनिवर्सिटी का, तो फिर वो आगे ज़्यादा मैसेज करते हैं, फिर कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर जब हाथ से सारा सिचुएशन कंट्रोल से निकल जाता है फिर वो बताते हैं, तो कई प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं। तो अपडेट आ चुका था इसलिए वीडियो बना करके हम आपके लिए अवेलेबल करा दिए। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वो स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके जो इस बार एडमिशन के प्रोसेस में अपना एडमिशन को कंप्लीट कराया है, ताकि उनका जो आगे एग्जामिनेशन वगैरह का जो सारा प्रोसीजर है वो वंचित ना रह जाए इस प्रोसेस से। गाइस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा तो रजिस्ट्रेशन हम लाइव आपको करके भी दिखाएंगे, और इसके लिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना चाहते होंगे वो वीडियो पे कमेंट करेंगे, ताकि मैं किसी न किसी के सपोर्ट से वीडियो फिर आगे अवेलेबल करा सकूँ।